सरकार में जिस नंबर दो का आदमी है नहीं उसे दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी सरकार आनी चाह और किसी का नहीं है। साइकिल उठवा लो, मोटरसाइकिल उठवा लो। अच्छा ये कहते हैं कि हिंदू कटवा लो, ये काम है उनके तो चोरी करवा लो। हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, हिंदू मुस्लिम का मतलब नहीं है इसमें, चोरी क्यों हो रही है? यहाँ झोटे तक के खुले गए भी खुले गए 5 साल में, डंगर किसी का नहीं खुले आपके। वे जो पहले आदमी को दिक्कत है, एक नंबर कोई दिक्कत नहीं। पिताजी थे जी, इनके पिताजी थे जो भाजपा की बुराई कर रहे थे, आई है उनके लड़के हैं। अरे दो मोटरसाइकिल उठ ली मुलायम सिंह के राज में, दो मोटरसाइकिल, एक तो बाबा ही हमारा सपा में है उसी को उठ ली, अब मर्जी उठ ली सहारनपुर तक। अरे तो घर में ही राजनीति चल रही है, बाबा जी कहाँ गए? सपा वाले बाबा जी, आपके पोते तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही है भाजपा। ये तो वोटर मारे हैं जोर से बोले खिलाफ, ये तो वोटर ही मारे हैं। इसके पिताजी दे, इनके पापा जी दे, या कहाँ उठ दे देंगे? हम तो सपा ही हैं आपका, सारे आए गए ये है काम इनका। हाँ ये जोर से बोल देगा नहीं, गाय कट रही भैंस कट रही, ये तो इनका काम ही है। आए गए जेल गए जेल गए, इनका तो काम हुआ है। तो आपके साथ नहीं है कहीं? ये वोट मारी देंगे, आपकी देंगे। हाँ सपा की बीजेपी को देंगे, बाबा के मोटरसाइकिल ठेले हमको देख के कर देंगे अखिलेश को वोट। आपकी मोटरसाइकिल उठा ली, वोट मारी देंगे। ये क्या कुछ ही बोलते रहो। 2008 में किसकी सरकार थी? 2019 में पिछली योजना में किसकी सरकार थी? अखिलेश की थी बाबा की। 2008 मॉडल उठ रही, 2008 मॉडल तेरी नहीं उठ रही। 6 जून 2016 को हमारी मोटरसाइकिल उठ रही सहारनपुर तक, उसी भी मोटरसाइकिल उठ रही, उठी नहीं उठी? आपकी भी उठी, ये तो भी हो रही। मारे बाबा जी के बाद तो अब बाइक है देख लो, कोई मोटरसाइकिल नहीं उठी इनकी। मारे गांव के सारे चेल खोल लिए तू वालों के। कौन सी उठी? यूपी 11W 1520 सुपर स्प्लेंडर वो उठी, 2008 मॉडल सहारनपुर तक उठी। सुपर स्प्लेंडर उठवा ली, सुपर स्प्लेंडर। मारे गांव के चारों तरफ के तू वालों के केबिल खोल लिए, जा केबिल खोल लिए। केबिल कहेगा खोल ले, कहेगा कहेगा ट्वेल्व लोग भाजपा की सरकार में खोल दिए सारे ट्वेल्व, खुले बीजेपी सरकार बनी खुले में, सपा सरकार में खुले, बीजेपी सरकार बनी खुले। हमारे यहाँ अखिलेश के टाइम में लाइट लगी थी सौर ऊर्जा वाली, और भाजपा के राजमन की बैटरी भी तैर लेगा चोर। नहीं नहीं पहले उतर रही है, तो नंबर दो का आदमी, तो नंबर दो की लोग मान लग रहा है इसमें। कौन है वो नंबर दो का आदमी? मुझे तो प्रधान तो उन्होंने लगा रखे, नंबर दो का काम कर रखे हैं। कुर्ते पजामे भी धोए भाजपा के, क्यों लाइट जल रही है? अब लाइट जल रही है भाई, लाइट नहीं। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? हाँ जी, जो ये लोग हैं, जो एकदम बाबा सीधी है, जो अभी भाजपा के कदावर नेता हुआ खड़े थे, ये भाजपा के, अभी भाजपा से गाँव की उसमें प्रतिभावना भागे, भाजपा के गद्दावर नेता सपा में क्यों आ गए? भैया मजबूरी थी, स्प्लेंडर उठ गई वजह से कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा। इसलिए मैं ना फंसा। अच्छा सपा में सुनते हैं, कहते हैं आपकी मोटरसाइकिल उठ गई थी स्प्लेंडर, वो भाजपा सरकार में तो उठी थी। सपा में प्रधानमंत्री उस टाइम नरेंद्र मोदी जी जी मोटरसाइकिल उठी। हाँ कानून व्यवस्था का हम प्रदेश सरकार का है, केंद्र सरकार का नहीं है। सरकार आ जा कहीं, राज्य सरकार आ जा। मारे भाई साहब की बिजली की ट्वेल यहाँ है, इन्हें इतना चोरी का खतरा रात को। आपको वर्तमान सरकार से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? बस प्रॉब्लम है भाई, तो सरकार तो एक भाई ध्यान इसमें कुछ भी नहीं है। हम बिजली सुन, गाँव वाले आदमी बताऊ, मुझे 3 दिन हो गए मेरी बिजली के बिल की किस्त बनी थी, और वह 2 दिन लेट होगी। उन्होंने जब उसका मेरा 12,800 रुपये बिल था और मैं जमा करने के लिए गया, उन्होंने कहा 1,00,000 रुपया जमा कर, वह स्कीम खत्म होगी। 1,00,000 रुपया कैसा? कहे 1,00,000 की किस्त रुकी हुई है 1,00,000 रुपये? नहीं, कुल 12,800 रुपये किस्त थी मेरी। पेनल्टी की बात कर रहे हो? पेनल्टी 2 दिन की लगा लो, 2 दिन लेट गया मैं। अच्छा। तो ही उन्होंने कह दिया वो तो खत्म होगी जी स्कीम। देखिए मैं पहले कहा स्थानीय स्तर पर कुछ अधिकारी, लखनऊ से कॉन्टेक्ट है इसका तो। भाई साहब एक मिनट हो। अच्छा बाबा जी, अगर सपा की सरकार आ गई, आप बीजेपी के भी गद्दावर नेता थे, आप सपा में आ गए, माफ हो जाएंगे, करवा दोगे इनका? हाँ सबके माफ हो जाएंगे, करवा दोगे इनका? हाँ। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।